बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रमज़ान बार की खुलेआम बरसमती करते हुए रमज़ान ट्रांसमिशन में एक तरफ नादिया खान और जियाउर रहमान की फरमाइश पर नागिन गाने पर बेहूदा डांस और दूसरी तरफ एक खातून के साथ दौड़ लगाते हुए मुँह के बल गिरना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को महंगा पड़ गया। रमज़ान के चौथे रोज़ ही आमिर लियाकत हुसैन का शो बंद हो गया। तमाम बातें हम आपको अच्छी बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एजेंट फॉर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल का क्लिक कर दिया, किस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी तरफ आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन करना हर चैनल की अवली तरजीह बन चुका है और अफसोस की बात तो यह है कि सारा साल नाच गाना करने वाले अदाकार भी रमज़ान मुबारक में इस्लाम का दर्ज देते हुए नजर आते हैं। इनमें अदाकारा सनम जंग, एहसन खान, इमरान बासुर ने जैसे जैसे नामवर अदाकार भी शामिल हैं। और जब बात हो रमज़ान ट्रांसमिशन की तो आमिर लियाकत हुसैन का नाम किसी से रखा छुपा नहीं, जिन्होंने असल में रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी थी और इसी से खूब नाम भी कमाया और इसी वजह से इन्हें 2010 में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन भी होस्ट करार दिया गया और यूँ ही हर गुजरते दिन के साथ इनकी तरक्की करते हुए नजर आते हैं। मगर कोई भी ये बात नहीं जानता कि आने वाले कुछ दिनों में इनके साथ क्या होने वाला है। आमिर लियाकत हुसैन को इनकी कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और मगर इस दफ़ा आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान ट्रांसमिशन में जो कारनामे सर अंजाम दिए इनकी मजबूत करना बेहद मुश्किल है। इसमें आमिर लियाकत हुसैन की दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आती हैं। इनमें से एक वीडियो रमज़ान ट्रांसमिशन की है जिसमें पाकिस्तान की गोल्ड मेडलिस्ट सारा हामिद के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं और जीतने के चक्कर में मुँह के बाहर गिर जाते हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक हरकत है। दूसरी जानब इनकी एक वीडियो इनके अपने ही शो जीवा पाकिस्तान से भी ली गई है जो ये अफ्तारी के बाद होस्ट करते हैं और इसमें अदाकारों को बुलाकर काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी करते हैं, जिससे मुस्लिम किस्म के वो खेल भी खेलते हैं और आमिर लियाकत हुसैन बजाते हुए तो इसमें डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं और मेहमानों को होप हंसाते हैं। मगर इस दफ़ा तो इन्होंने हाथ ही पार कर दी, जो कि रमज़ान मुबारक में नाच गाना करते रहे और वो नागिन डा गाने पर डांस कर रहे हैं जिस पर वो लेट कर डांस कर रहे हैं और साथ साथ वो डांस करते हुए अपने साथ साथ मुंह से जबान भी बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखकर ज़्यादा सलाम मुनादिया हान हंसी रहीं और साथ ही बहुत ही हैरान परेशान भी हो गई कि पैसों के हाथ इंसान किस हद तक गिर जाता है और उसका गिर जाना अकल की बात नहीं बल्कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। और ये बात कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि आमिर लियाकत हुसैन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद इनकी पहली बीवी और इनकी बेटी की बदुआ का नतीजा है जिसकी वजह से आए रोज़ अपनी इज्जत आग में बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों यही नहीं बल्कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तब अवाम ने एक्सप्रेस टीवी से मुतालबा किया कि इस कदर ना समझ इंसान को होश रखने का मकसद ही क्या है और इसे रमज़ान ट्रांसमिशन से निकाल देना चाहिए और यह भी हो सकता है कि ये बात आने वाले दिनों में सच भी साबित हो। दोस्तों यही नहीं बल्कि ये वीडियो वायरल होने के बाद अवाम का एक्सप्रेस टीवी से मुतालबा भी था कि अगर ना समझ इंसान को रमज़ान ट्रांसमिशन दी ही क्यों गई। तो वह दिनों से रात कैसी लगी आपको आज की इस वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का जाल आदमी कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, होप मेरी छोटी सी वीडियो से सही होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।